जैसे पिछली वीडियो में नहीं था, वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। तो गाइस जो हमारी आज की बाइक है वो है उस बंदे की बाइक जो एक निंजा है। जी हाँ, डॉट इन में जो निंजा है, जैसे कि हम सब जानते हैं कोई द निंजा राइडर। तो आज हम जिस बाइक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बाइक का नाम है एरोसिजर्स। तो यार बस अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एरोसिजर्स क्या है। एरोसिजर्स कोई की MTB है, जो एक डाटन बाइक है और ये भी उन 6 लेजेंडरी डाटन बाइक्स में से एक है जो तकेशी अमाटो ने दुनिया को बचाने के लिए बनाई थी। और इस बाइक की जो स्पेशल चीज़ है वो है कि ये बाइक ना एयर को कंट्रोल कर सकती है। तो गाइस जो इस बाइक का जो स्पेशल मूव है वो है निंजुत्सु हरिकेन। अब आप कहोगे निंजुत्सु हरिकेन, ये तो हमने सुना ही नहीं कभी सीरीज में। तो निंजुत्सु जो हरिकेन है ये इसका स्पेशल मूव है जापान में। मतलब जापान में लोग एरोब्लेड टोर्नेडो को निंजुत्सु हरिकेन कहते हैं, ये वहाँ का नाम है। और इसका जो इंग्लिश डब में और हिंदी डब में नाम है इसका स्पेशल मूव का वो है एरोब्लेड टोर्नेडो। और गाइस इस बाइक की ना सबसे सही बात ये है कि बाइक ना मतलब काफ़ी हल्की है। तो इस बाइक को जैसे कि मैंने आपको बताया ये एयर को कंट्रोल कर सकती है और ये एयर में मतलब ये काफ़ी ऊंची मतलब एक तरीके से इसे हम कह सकते हैं कि हवा में उड़ सकती है, क्योंकि ये बाइक बहुत ही ज़्यादा हल्की है। और तकेशी अमाटो ने इसको इसीलिए बनाया था, इसको ऐसे डिज़ाइन किया था कि ये बाइक काफ़ी हल्की रहे, जिसकी वजह से जो निंजास होते हैं जैसे कि हमें पता है वो जैसे थिन वायरों पे चलना या पेड़ों पे कूदना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जैसे कि तकेशी अमाटो ने बनाई ही कोई के लिए थी, क्योंकि उसे पता था कोई एक निंजा राइडर है और ये बाइक अगर वो हल्की होगी तो एक तरीके से सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इसलिए ये बाइक काफ़ी हल्की है। और इस बाइक की जो सबसे तगड़ी चीज़ है वो ये है कि ये बाइक ना हल्के होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा पतली वायरों पे चल भी सकती है। और एक और फन फैक्ट बताऊँ, अगर वायर को जैसे हम सिल्वर कलर से पेंट कर देना तो पता नहीं लगता कि वो है कि नहीं, जैसे कि हमारे कोई ने किया था जब वो पहली बार हमारी सीरीज के अंदर आया था, जब बैटल चल रही थी शो वर्सेस क्योइची शीडो, उसके बीच में वो एकदम से आ गया था जब वो टीम शार्क टूथ के लिए काम करता था। और गाइस सब पता है ये जो कोई था ना ये एक तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि ये निंजा राइडर था, तो ये MTB के जो स्टंट्स वगैरह होते हैं जो मूव होते हैं उनके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें करता था। जैसे कि मेरे जैसे कि ये हमेशा अपने पास एक स्मोक बॉम्ब रखता था और जैसे ही वो स्मोक बॉम्ब फोड़ता था धुआं हो जाता था और फिर ये गायब हो जाता। और जो इसका मेरा जो पर्सनल फेवरेट था ना वो ये था कि ये ना छोटे छोटे जो टाइम मिरर्स होते हैं ये वो रख के उनसे ना अपने डुप्लीकेट्स बना देता था, ताकि जो सामने वाला अपोनेंट है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। मतलब एक तरीके से सामने वाला अपोनेंट कंफ्यूज हो जाए रेस के टाइम, और जिसकी वजह से इसको मतलब काफ़ी मदद मिल जाए रेस में। ऐसा ही तब करता था जब ये टीम शार्क टूथ के लिए काम करता था, क्योंकि तब कोई बुरा राइडर था। लेकिन फिर जब से शो मिला, शो ने इसकी बहन वहन को बचाया, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई ना स्टार्टिंग से बुरा नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया कि वो टीम शार्क टूथ के लिए काम करता था, उसका भी एक रीज़न था। जो कोई की बहन थी कियो, उसको गावो ने बंदी बना रखा था और वो उसे कहता था कि तू मेरा काम कर, नहीं तो तेरी बहन को मैं हार्म पहुँचाऊँगा। और नहीं तो जैसे कि उसकी बहन को ना एक बीमारी भी थी, तो उसका वो इलाज कराता था गाबू, सिर्फ उसे बोलता था, वो रियल में नहीं कराता था अच्छे हॉस्पिटल से। तो कोई यही सोचता था कि मेरी बहन का इलाज होएगा, इसलिए वो ऐसे करता था। तो कोई एक स्टार्टिंग में उसकी एंट्री ऐसे नेगेटिव करेक्टर थी, लेकिन वो आगे जाके पॉजिटिव हो गया था गाबू की तरह। जैसे कि जो इस बाइक का कलर है पर्पल टाइप, ये बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है, कोई की ड्रेस के साथ मैच भी होता है। और जो इस बाइक का एम्बलम है वो भी एक गोल्ड एम्बलम है, जैसे कि हमें पता है कि सिर्फ प्लैटिनम एम्बलम शो के पास ही है और बाकी सारी लेजेंडरी डाटन बाइक्स के अंदर गोल्ड एम्बलम भी लगा हुआ है। तो गाइस बस यही थी एरोसिजर्स के बारे में, जो भी डिटेल्स मिली मुझे वो मैंने आपके आगे ला के खड़ी कर दी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मतलब जहर लगी हो, बिल्कुल कतई जहर भाई, तो हर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर डॉट इन जम के फ़ैन हो तो तुम्हें अभी तक कर देना चाहिए था, तुम दबाओ डॉट इन जम के फ़ैन पे। तो यार बस अब ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।